हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एम के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2019 और आज के जितने भी शैक्षणिक समाचार है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चाहे आरपीएससी, आरजेएस भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती, आरएसएम, एसएसबी, पीटीआई भर्ती, एलडीसी भर्ती, 75,000 लंबित भर्तियों पर सुनवाई, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जो दोस्त राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है उसके लिए इस चैनल पर लाइव क्लास चलती है रात्रि 9 बजे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पास में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना। और दोस्तों, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और बाकी जितने भी भर्तियाँ उन सभी की यहाँ पर सूचना मिलती है, तो उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो लिंक के द्वारा। तो आज की पहली खबर है दोस्तों, एमडीएसयू यूनिवर्सिटी ने जारी किए कई परिणाम। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को 5 विषयों की परीक्षाओं के परिणाम यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट खबर है, 30,000 विद्यार्थियों के लिए शुरू होगी स्मार्ट क्लासेज। जयपुर जिले के करीब 60 सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 30,000 से भी अधिक विद्यार्थी स्मार्ट क्लासेज के जरिए पढ़ाई करेंगे। विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम से जुड़े विषयों के साथ साथ बिना इंटरनेट, ई लाइब्रेरी और दर्जनों ज्ञानवर्धक वीडियो सहित विश्व स्तरीय अध्ययन सामग्री का भी लाभ यहाँ पर ले सकेंगे। यह सुविधा प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत आईसीटी लैब, स्मार्ट नॉलेज सर्वर यानी स्कूल इन ए बॉक्स के जरिए प्रदान की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों ये। नेक्स्ट खबर की बात करें तो देख सकते हो, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 24 को एडमिट कार्ड जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 24 नवंबर को आयोजित की जाने वाले स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के प्रेस पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर है दोस्तों, वर्ष 2007 से बंद शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ करने की मांग। भरतपुर में दिसंबर में प्रस्तावित शारीरिक शिक्षकों के प्रांतीय अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री को किया आमंत्रित। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर, इसमें शारीरिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी भी यहाँ पर दे रखी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, वर्ष 2018 की भर्ती में चयनित 4,655 शारीरिक शिक्षकों को तुरंत नियुक्ति दी जाए और SGFI की तर्ज पर 12 अतिरिक्त खेलों को राज्य की स्कूल खेलों में जोड़ा जाए। तो ये भी एक यहाँ पर इन्होंने मांग रखी है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो देख सकते हो, विश्वविद्यालयों में कम्युनिटी रेडियो की होगी स्थापना। राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय को प्रेरित किया जाएगा ताकि आमजन में विज्ञान शिक्षा का प्रसार हो सके। वहीं त्रासदी के वक्त ट्रैफिक, सड़क दुर्घटना, मौसम, बीमारियों में एवं इत्यादि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जा सके। तो दोस्तों देख सकते हो, ये राज्य में 7 कम्युनिटी का हो रहा है यहाँ पर अभी संचालन। तो ये बहुत अच्छी खबर है, यानी विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो अगली खबर की ओर चलते हैं, देख सकते हो, एग्जाम से पहले लगातार 4 दिन का अवकाश, छात्रों की पढ़ाई होगी प्रभावित, सम्मेलन के बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन की हाल ही में घोषित तिथियां 6 और 7 दिसंबर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि शिवरा पंचांग के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षाएं 10 से 23 दिसंबर को होनी है, जबकि 6 व 7 को शैक्षिक सम्मेलन होने हैं और 8 को रविवार है। तो इस वजह से आप देख सकते हो, विद्यार्थियों को यहाँ पर पढ़ाई, जो विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो प्रभावित होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों आज की। सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी, बजट में घोषित 75,000 भर्तियों पर सरकार गंभीर। इस साल बजट में घोषित अलग अलग विभाग की 75,000 भर्तियों को समय पर पूरा करने को लेकर सरकार गंभीर है। शुक्रवार को सरकार ने CMO राजस्थान के ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी। इसमें कहा कि सरकार ने मात्र 10 महीने के कार्यकाल में ही अब तक 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियाँ प्रदान कर दी है। सरकार की प्राथमिकता बढ़ती बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करना है, इसी दृष्टि से ही 75,000 पदों पर भर्तियां की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जुलाई में पेश किए गए राज्य सरकार के बजट में 75,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया था। तो दोस्तों, जुलाई में जब बजट पेश किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, तो उसने 75,000 भर्तियों का यहाँ पर ऐलान किया था। अब उन भर्तियों को लेकर सरकार गंभीर होती जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर, इन विभागों में इतने पदों पर होनी थी भर्तियाँ। तो देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसियाँ आनी है दोस्तों। राजस्व विभाग में 4,646 वैकेंसीज, कृषि विभाग में 400, शिक्षा विभाग में 21,600 जो भाई रीट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पर। सहकारिता विभाग में 750, DOIT में 800, मेडिकल में 15,000, उच्च शिक्षा में 1,000, कौशल एवं रोजगार में 1,500, वन में 1,474, गृह विभाग में 4,000, ऊर्जा विभाग में 9,000, PhD में 1,400, PWD में 1,341, WRD में 2,000, ग्रामीण विकास पंचायती राज में 5,160, परिवहन में 104, सामाजिक न्याय अधिकारिता में 250,
महिला अधिकारिता में 300 और मेडिकल एजुकेशन में 269 पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इन सभी जो पद हैं इन पर वैकेंसी बहुत जल्द आने की संभावना है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सभी दोस्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बात करते हैं अगली खबर की दोस्तों, तो देख सकते हो इधर लंबित भर्तियों को लेकर अनशन जारी है। राजस्थान बेरोजगार हकीकत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्रिवेणी नगर स्थित कार्यालय में लंबित भर्तियों और नई भर्तियां निकालने की मांग को लेकर चल रहा अनशन तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी है। तबीयत बिगड़ने पर जिला कलेक्टर की तरफ से एक मेडिकल टीम पहुँची है और उसने यादव के स्वास्थ्य की यहाँ पर जाँच की है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बेरोजगारों के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं उपेन्द्र जी यादव, और यहाँ पर ये अनशन कर रहे हैं नई भर्तियाँ निकालने के लिए, क्योंकि बेरोजगार काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही है और जो लंबित भर्तियाँ हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। तो देख सकते हो दोस्तों सरकार इसको लेकर गंभीर होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर है आरजेएस 2018 के लिए इंटरव्यू आज जोधपुर में। आरजेएस मुख्य परीक्षा 2018 में सफल रहे अभ्यर्थियों के शनिवार से राजस्थान न्यायिक अकादमी जोधपुर में इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, जो कि 19 नवंबर तक चलेंगे। नेक्स्ट है चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति की मांग। तो दोस्तों आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी उसके बारे में आपको रूबरू करा दिया है। फिर भी दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।